हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस अडे में। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसके आंसर को हमने डेवलप करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए यहाँ डिस्कस करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सवाल। इवेंट्स इन द 18th सेंचुरी लेड द एडिफाइस फॉर अ न्यूली इमर्जिंग इगैलिटेरियन सोसाइटी इन द वर्ल्ड एंड हैड इम्प्लीकेशंस ऑन इकोनॉमी एंड पॉलिटी एज वेल। इन्यूमरेट, मतलब आपने क्या बताना है, आपने यहाँ बताना है कि कैसे 18वीं सदी में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हम जनरली जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में यूरोप के अंदर होने वाली जो चीज़ें थी, क्योंकि यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री है। एनीवेज, 18 सेंचुरी में कई ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि एक तो इगैलिटेरियन सोसाइटी बनती है वर्ल्ड में और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उस 18वीं सदी के इवेंट्स का। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन से इवेंट्स थे 18वीं सदी के जो लैंडमार्क इवेंट्स माने जा सकते हैं या टर्निंग पॉइंट इवेंट्स माने जा सकते हैं, फिर उन इवेंट्स का इम्पैक्ट क्या रहा इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, और क्या उन्होंने किसी तरीके की इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाई या नहीं बनाई। ठीक है, तो कुछ कदम हुए जिसमें इगैलिटेरियनिज्म आया, लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई जिससे इगैलिटेरियनिज्म के दूर भी दुनिया गई। तो अब उसके बाद हम उसको कंक्लूड करेंगे। देखिए, 18वीं सदी तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसमें कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसने एक तरह से डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड हिस्ट्री में। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक इवेंट जिसके साथ, जिसके बाद कोई दूसरा इवेंट ट्रिगर होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे हिस्ट्री का जो कोर्स है वो बदल जाता है। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ऑल्दो साइंटिफिक रेवोल्यूशन 17 सेंचुरी के आसपास आ चुका था, बट 18वीं सदी में बहुत ही तीव्रता पकड़ता है, बहुत ही तेजी से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है और बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो हम नहीं समझ पाते थे बिकॉज रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, चर्च की दी हुई एक्सप्लेनेशन की वजह से, वो अब साइंटिफिकली एक्सप्लेन करी जा रही थी। सो इट टुक प्लेस इन यूरोप टुवर्ड्स द एंड ऑफ रेनेसांस पीरियड एंड कंटिन्यू टिल लेट 18th सेंचुरी। तो इसने साइंस को एज अ डिसिप्लिन डेवलप करने में बहुत मदद की। ठीक है, यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ गैलीलियो, यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक लेवल पे लेके गए, जिससे इंटेलेक्चुअल और सोशल मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। सो यू हैव रिफॉर्मेशन, यू हैव साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यू हैव एनलाइटनमेंट, दैट वाज द रिलीजियस एनलाइटनमेंट, सॉरी साइंटिफिक एनलाइटनमेंट, एंड दिस रिफॉर्मेशन वाज रिलीजियस रिफॉर्मेशन। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड इवेंट्स हैं। तो अब इन, इसकी वजह से एनलाइटनमेंट आती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। एनलाइटनमेंट में आपकी पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट भी आती है, आप रैशनैलिटी की तरफ बढ़ते हो और रैशनैलिटी की वजह से आप मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते हो। ये यूरोपियन व्यू है ऑफ कोर्स देखने का चीज़ों का, बट हम मानेंगे क्योंकि यूरोप के ने ही काफ़ी चीज़ों को यहाँ ट्रिगर किया है। तो एनलाइटनमेंट दैट मीन्स बेसिक ह्यूमन राइट्स की बातें होना, डेमोक्रेसी की बातें होना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बातें होना, और उसके साथ साथ जब जुड़ जाता है हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 18वीं सदी के, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो जहाँ अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने लड़ाई की अपने पेरेंट ब्रिटिश एम्पायर से, या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जहाँ पे मोनार्क को हटाने के लिए लोग सामने आए और सड़कें भर दी उन्होंने प्रोटेस्ट और एक तरह से इनइक्वालिटी रिमूव करने के लिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी जो 18वीं सदी में वो भी स्टार्ट हुई थी लेट 18th सेंचुरी में। तो ये ब्रिटेन ऐसा सौभाग्यवश पहला देश था उनके लिए जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू, और फिर बाकी सारे यूरोप में एंड अमेरिका के अंदर भी ये फैल जाता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच लेड टू फैक्ट्री मेड, मशीन मेड गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड एट अ फैक्ट्री सेटअप एंड विच ऑल्सो लेड टू अर्बनाइजेशन। तो ये बहुत सारी चीजें जो हुई है ये इन्हीं सारे चार मेजर 18वीं सदी के इवेंट्स का इम्पैक्ट है। तो पहले तो आपने एन्यूमरेट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आपने इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में बताना है और कुछ थोड़ा बहुत इगैलिटेरियनिज्म के बारे में भी बताना है कि कैसे इगैलिटेरियनिज्म के आइडियाज क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं जी, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात हो रही है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप लोगों को वोटिंग राइट्स देना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे इगैलिटेरियनिज्म परफेक्ट इगैलिटेरियनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल डेमोक्रेसी के एडवोकेट्स थे
वो ये नहीं कहते थे कि सब एक एक बंदे को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए जाए। तो इगैलिटेरियनिज्म है तो है, मतलब पावर शेयरिंग आप करना तो चाहते हैं राजा के साथ, लेकिन आप उसको भी क्वालिफाइड इगैलिटेरियनिज्म बनाना चाहते हैं। जैसे अब फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, उसका ये इस तरीके का यू नो ट्रायंगुलर पिरामिडल सॉरी स्ट्रक्चर रहता था। तो फर्स्ट एस्टेट वाले सेकेंड एस्टेट वालों के पास सारी पावर होती थी, लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद थर्ड एस्टेट इसके अंदर घुस जाता है, तो इसका मतलब इगैलिटेरियन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी चीज, अमेरिका के अंदर नई क्लास ऑफ ओनरशिप, नई क्लास ऑफ रिच, या नए क्लास जो डोमिनेंट क्लास बन के आती है वो है कैपिटलिस्ट क्लास, और कैपिटलिस्ट क्लास के साथ साथ मिडिल क्लास भी डोमिनेट करती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो अर्स्टवाइल सिस्टम चलता था उसमें जो मोनार्की के साथ लिंक लोग होते थे वो ज्यादा सोशली प्रेस्टीजियस होते थे, लेकिन अब क्या है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है इमर्जेंस हो गई है, मिडिल क्लास की इमर्जेंस हो गई है। तो ये वेल्थ जो है काफी लोगों तक अब पहुंच रही है, किसकी वजह से, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अमेरिका में आई बहुत ज्यादा, उसकी वजह से। देन यू हैव फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, 18वीं सदी से ही ये चल रहा था कॉन्सेप्ट, विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फ्री मार्केट इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसके कर्ता धर्ता थे एडम स्मिथ, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि सरकार को या सरकारी एजेंसियों को, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ये इकोनॉमी जो है उसको फ्री हैंड देना चाहिए और इनविजिबल हैंड से वो चलती रहे, जिससे जो जितना प्रॉफिट कमाना चाहता है कमाए, और उसकी वजह से ये जो सेंटिमेंट है कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट ये फैल जाता है। ऑल्सो देर वर इकोनॉमिक मर्सेंटलिज्म, तो 17वीं सदी से ही चलता आ रहा था। इकोनॉमिक मर्सेंटलिज्म का ये मतलब था जो पॉलिसी ब्रिटेन और काफी सारी जो बड़ी कॉलोनीज वाले यूरोपियन नेशंस थे, स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन चलाते थे, वो कॉलोनीज को एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स बना के रखा था उन्होंने, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल भी करना चाहते थे उन इकोनॉमीज के ऊपर। तो इकोनॉमिक मर्सेंटलिज्म के थ्रू वो ऐसे कानून लाते थे, ऐसे लॉज लाते थे जिससे जो कॉलोनीज थी उनको नुकसान होता था और जो पेरेंट है उस कॉलोनी का, पेरेंट कंट्री है, उसको काफी फायदे होते थे। और अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो कारण है वो भी ये मर्सेंटलिस्ट पॉलिसी ही थी। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट नेविगेशन लॉ विच फोर्स्ड अमेरिकन शिप्स टू कंपल्सरली सेल टुवर्ड्स ब्रिटेन। मींस अगर कोई भी सामान आना था अमेरिका में, पहले वो ब्रिटेन में डॉक होना था, फिर उसके बाद अमेरिका जाना था। तो ये एक नुकसानदायी चीज है अमेरिका के इंपोर्टर्स के लिए, अमेरिका के एक्सपोर्टर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए। इसीलिए उन्हें 18वीं सदी की ये जो चीजें हैं, एनलाइटनमेंट या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा है, उससे ये चीज पता लगती है और लोगों के अंदर आइडियाज का संचार होता है कि भाई ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, हमें सब्जुगेट किया जा रहा है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन से क्या मदद मिलती है कि नेविगेशन टेक्निक्स बढ़ती हैं, अर्थ के बारे में आप और ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो आप एक्सप्लोर करते हैं बहुत ज्यादा नए नए एरियाज। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है इकॉनमी में, इकॉनमी में ये फर्क पड़ता है कि आप एक वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी चलानी शुरू कर देते हो, इकोनॉमीज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हो कॉलोनीज की। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो इंडिया ही होगा, जहां इंडिया से जाने वाले रॉ मटेरियल्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, जबकि इंडिया से जाने वाले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ इंडिया में आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स थे ब्रिटिश एरा में, 18वीं सदी में, ऐसा जब तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया, तब तक उन्होंने इंडिया में आने वाले फैक्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने फ्लड कर दिया इंडियन मार्केट्स को। तो कहने का ये मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक नया दरवाजा, एक नया आयाम खुल गया कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करने का, क्योंकि कॉलोनीज के पास थे रॉ मटेरियल जो वहां की इंडस्ट्रीज को जरूरत थी। और दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सोसाइटी और इकॉनमी में ऐसे फर्क आया कि आप अर्बनाइजेशन, यूरोप के अंदर हम अर्बनाइजेशन होते हुए देखते हैं, और अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा अर्बन एरियाज में, लेकिन वहां पे वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। उसी को लेके पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे राइज होती है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। नाउ पॉलिटी का क्या इंपैक्ट हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, 18वीं सदी के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये आइडियल्स बहुत सभी जगहों पे फैल गए, और ये आइडियल्स विश्व के कई कॉन्स्टिट्यूशंस में पाए गए, जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर एक राजा या मोनार्की की जो पावर है उसको डिक्लाइन पे देखा गया,
काफी यूरोपियन कंट्रीज ने एक एक करके इसको डिक्लाइन करने की कोशिश की, लेकिन आपको मैं बता दूं 19वीं सदी तक ये जो राजा थे इन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी इजीली इन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन एक तरह से शुरुआत हुई रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जहां पे लोगों का चुना हुआ नेता जो होगा या लोगों का चुना होगा हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो रूल करेगा लोगों के ऊपर। नाउ मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह फैलने लगा, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई जहां पे फेडरलिज्म हो, जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया हो, मॉन्टेस्क का दिया हुआ सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया हो, और फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स जो वहां के सिटीजंस को प्रोवाइड किए जाए। अगर हम बात करें कॉलोनीज की लड़ाई की, कॉलोनीज किस तरह इंस्पायर हो रही थी अपने कॉलोनियल मास्टर्स को हटाने में, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन ने ये रास्ता दिखाया कि आप कैसे अपने कॉलोनी कॉलोनियल मास्टर्स को हटा सकते हो। ऑल्दो अमेरिकन रेवोल्यूशन का नेचर बाकी कॉलोनी से अलग था, क्योंकि रेशियल इशूज नहीं थे उनके, और एक्चुअली अमेरिकन जो थे जो लड़ रहे थे एक्चुअली ब्रिटिश डिसेंडेंट्स ही थे, लेकिन फिर भी एक तरीके से आपको पता चल गया कि आप कॉलोनीज के साथ लड़ सकते हो और कॉलोनीज की आर्मीज को हरा भी सकते हो। विडोज एंड डॉटर्स और इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी, ये सब क्या हो रहा है, सोशल कॉजेस, सोशल कॉजेस, और सोशल कॉजेस को भी इफेक्ट पड़ रहा है। हमने इकोनॉमिक में सोशल भी घुसा दिया, कोई बात नहीं, बता सकते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना कोई गलत बात नहीं है। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म की विक्ट्री होती है, सॉरी ये पॉलिटिकल था चल रहा है, ह्यूमनिज्म के अंदर नेशनल असेंबली ने क्या किया, स्लेवरी अबॉलिश की। धीरे धीरे करके ये आइडियाज अमेरिका में भी आने लग गए, ऑल्दो अमेरिका में बहुत देर लग गई स्लेवरी अबॉलिश करने में। 1860 के अंदर इमेंसिपेशन किया, 1864 में प्रोक्लेमेशन किया गया आपके अब्राहम लिंकन के द्वारा, बट इवन देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ह्यूमनिज्म या ह्यूमन राइट्स के ऊपर और ज्यादा बात होने लग गई। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आपके नए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी डेवलप होने लगी। तो सोशलिज्म वाज एन आइडियोलॉजी, एंड देन लेटर ऑन कम्युनिज्म वाज एन आइडियोलॉजी दैट वर देयर एज अ रिस्पॉन्स टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एज अ रिस्पॉन्स टू द कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। तो ये सब चीजें आप पॉलिटिकल अरीना में चेंजेस देख पा रहे हो वर्ल्ड के अंदर, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इगैलिटेरियनिज्म की तरफ कदम जरूर बढ़ाए गए बट अचीव बिल्कुल भी नहीं किया गया इगैलिटेरियनिज्म। रीजन बीइंग कि अभी भी हम देख रहे हैं कि वोटिंग राइट सबके लिए नहीं मांगे जा रहे हैं। इवन इन द 20th सेंचुरी देयर वर डिलेज इन प्रोवाइडिंग सफरेज टू वुमेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगर ध्यान में रखें तो इगैलिटेरियन की तरफ कदम जरूर उठाया गया है लेकिन इगैलिटेरियनिज्म अचीव नहीं किया गया है। बट ये जरूर है कि ये सारे इवेंट्स पब्लिक स्फीयर में हर एक क्षेत्र में इंपैक्ट डालते हैं, भारत जैसे देशों तक भी इसका इंपैक्ट देखा गया। तो दोस्तों, दैट वाज हाउ वी टैकल द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। साथ ही साथ आपको एक लास्ट रिमाइंडर दे देता हूँ, ये लास्ट कॉल है हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग बैच के लिए, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हर हफ्ते 6 questions मिलेंगे और वो आप आंसर करके इवैल्यूएट करवाएंगे। एट द एंड ऑफ द वीक आई विल बी डिस्कसिंग द अप्रोचेस टू द क्वेश्चन, द सोर्सेज दैट यू शुड फॉलो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, एंड हाउ टू एनहेंस योर मेंस प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट टेकिंग एज वेल। तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे हर हफ्ते। ये बैच जो है 2999 में आपको मिल जाएगा, और अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ वो लोग जो टेस्ट सीरीज के थ्रू फुल एंड टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी 3 hours के अंदर परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज 2024 के लिए भी अवेलेबल है। अगेन 7999 के अंदर आपको 12+5 17 टेस्ट्स मिलने वाले हैं, इनका टाइमली इवैल्यूएशन और फीडबैक और इनके वीडियो सॉल्यूशन साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे भी 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं RAINA। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।